का दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंग्लिश T20 मैच के, जहाँ पे मैच होने वाला ईसेक्स वर्सेस हैम्पशायर का। तो देखिए, ईसेक्स का पिछला मैच बारिश के कारण पूरा नहीं हो पाया, साथ ही साथ यहाँ पे हैम्पशायर की बात करें तो इन्होंने 21 रन से पिछला मैच जीत लिया है। मैं आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशन भी दूंगा, और इस वीडियो का मकसद सिर्फ स्मॉल लीग का है, तो स्ट्रिक्टली ये वीडियो आपको स्मॉल लीग में अप्लाई करना है। यहाँ पे जो टीम मिलेंगी स्मॉल लीग में, बिल्कुल आपको वही टीम अप्लाई करना है, और कुछ कुछ कॉम्बिनेशन मैं ट्राई करने के लिए दूंगा आपको, जो कि आप ग्रैंड लीग में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये वीडियो का पूरा जो मोटो है सिर्फ स्मॉल लीग के लिए है, तो डेफिनेटली ये स्मॉल लीग के जो मैं टीम दूंगा आपको, स्मॉल लीग में आप अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो मैच है काउंटी ग्राउंड शेम्सफोर्ड में होने वाला है। यहाँ की जो पिच है बैटिंग फ्रेंडली है। 155 यहाँ का फर्स्ट इनिंग स्कोर और 143 यहाँ का सेकंड इनिंग स्कोर। जो मैच है 9:30 को चालू होगा इंडियन टाइम के अनुसार, और यहाँ का जो स्कोर है एक्सपेक्टेड स्कोर यहाँ पे 150 प्लस हो सकता है। तो यहाँ पे प्लेइंग 11 चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ईसेक्स की तरफ से विटर जी विकेट कीपर है, चोपड़ा, उसके बाद वेस्ली, डस्टेड कैप्टन उनके डैनियल लॉरेंस, उसके बाद रवि ओपरा, हार्मर, वैगनर, एडम जंपा, कुक और क्विन। तो यहाँ पे देखिए, जो दो प्लेयर है थोड़े रिस्की रहेंगे आज के मैच में, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया था पिछले मैच में इसीलिए, और जो 9 प्लेयर है पूरे यहाँ पे, वो पूरे प्लेयर सेफ रहेंगे आपके पास। तो इन 9 प्लेयर में से किसी को भी आप अपने टीम में सिलेक्ट कर सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं हैम्पशायर की तरफ से प्लेइंग 11। देखिए, इन्होंने पिछला मैच 21 रन से विन कर लिया है, तो मेरे को नहीं लगता कोई चेंजेस करेंगे। विनिंग कॉम्बिनेशन को छेड़छाड़ नहीं करना चाहेंगे हैम्पशायर की टीम, तो सेम 11 के साथ यहाँ पे जा सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं हैम्पशायर की तरफ से कौन कौन से प्लेइंग 11 हो सकते हैं। विंस, मुनरो, नॉर्थ ईस्ट, टैली रूसो, एल्सॉफ, डॉसन, मैग्नस बर्क, ओल्ड, स्टीवनसर और मुजीबुर रहमान, जो कि अफगानिस्तान के मिस्ट्री स्पिनर है। तो ये थी प्लेइंग 11 हैम्पशायर की तरफ से। चेकआउट कर लेते हैं की प्लेयर्स क्या होंगे। कॉलिन मुनरो, जेम्स विंस, रायली रूसो, डॉसन, विटर, वरुण चोपड़ा और वेस्ली आपके लिए की प्लेयर्स रहेंगे। मैं आपको टीम भी शो कर देता हूँ ग्रैंड लीग की, सॉरी स्मॉल लीग की। स्ट्रिक्टली मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि वीडियो पूरा और यहाँ पे जो टीम दूंगा मैं पूरी स्मॉल लीग के लिए अप्लाई करना है आपको स्मॉल लीग में। अच्छा, मेरा मोटो यही है कि आप स्मॉल लीग में अच्छी से आप अच्छे अमाउंट विन करो, क्योंकि क्या हो जाता है आप ग्रैंड लीग खेलते हो यहाँ पे 26 या 49 वाली, तो बहुत बार ऐसा हो जाता है कि आपके जो 26 या 49 आपने इन्वेस्ट किए हो वो भी आपके पास वापस नहीं आते। और ग्रैंड लीग जीतना कोई बहुत छोटी बात नहीं है, क्योंकि देखिए आपको प्लेयर्स तो सिलेक्ट करनी है, लेकिन यहाँ पे ऐसा भी प्लेयर होता है ग्रैंड लीग में आप तभी विन कर पाते हो कि जहाँ पे बहुत सारा रिस्क होता है 49 26 जैसी लीगों में, और बाकी की भी ग्रैंड लीगों में बहुत सारा रिस्क होता है। अगर आपका प्लेयर उस दिन चल जाता है, आपका लक और प्लेयर चल जाता है, तो आप ग्रैंड लीग विन कर सकते हो। लेकिन उससे अच्छा है कि आप स्मॉल लीग खेलो, और अच्छे से उसमें 29 या 49 से अच्छा आप स्मॉल लीग खेलो और अच्छे से अच्छे अमाउंट विन करो। सो चलिए शुरू करते हैं, आपको टीम भी दिलाता हूँ अब मैं, तो चलिए ड्रीम इलेवन की तरफ चलते हैं। अभी देखिए, यहाँ पे आपके पास फॉस्टर अवेलेबल नहीं है, मैग्नस और विटर के साथ आपको जाना है, लेकिन विटर आपके वन नंबर चॉइस है स्मॉल लीग के लिए। स्मॉल लीग का ही वीडियो है स्ट्रिक्टली, तो देखिए बार बार स्मॉल लीग बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पे विटर आपके लिए फर्स्ट नंबर चॉइस है, क्योंकि वन डाउन सॉरी यहाँ पे ओपनर आते हैं विटर ईसेक्स की तरफ से। आपको अपने ग्रैंड लीग की टीम में, हर अपोनेंट की टीम में उनको शामिल किया गया होगा, और आपको हर टीम में वो मिलेंगे, तो आपको अपनी टीम में भी वो रखना है। बैटिंग की बात कर लेते हैं, यहाँ पे जेम्स विंस को मैंने रखा है, वरुण चोपड़ा, रायली रूसो, ओके, उसके बाद डस्टेड को आप ले सकते हो, टॉम वेस्ली, लॉरेंस, नॉर्थ ईस्ट, एल्सॉफ, अरविन रिस्की हो सकते हैं ग्रैंड लीग में, इनको ट्राई कर सकते हो आप। ओके, मैं आपको स्मॉल लीग की प्लेयर बता रहा हूँ, तो वही टीम मैं आपको दूंगा एल्सॉफ यहाँ पे। बाकी पूरे जो प्लेयर्स है ये अवेलेबल नहीं है। मेरी चार चॉइसेस के अलावा आपके पास जो चॉइसेस है उसमें डस्टेड को आप ले सकते हो, लॉरेंस और एल्सॉफ, तो यही चार चॉइसेस आपके पास बचती है। मेरी जो चॉइसेस है इसमें विंस, वरुण चोपड़ा, रायली रूसो, नॉर्थ ईस्ट और वेस्टली। उसके बाद ऑलराउंडर्स की बात करें, यहाँ पे मुंद्रो, डॉसन, बोपारा, बर्क आपके लिए ऑप्शंस है, और हार्मर। लेकिन जो ऑप्शंस आपको ग्रैंड स्मॉल लीग में मिलेंगे आपके हर अपोनेंट की टीम में, जो स्मॉल लीग में आपको प्लेयर्स मिलेंगे वो है ये तीन, ये तीनों में से आपको सिलेक्ट करना है। सो कॉलिन मुंद्रो, डॉसन के साथ में गए। बॉलिंग की बात कर लेते हैं, यहाँ पे मुजीबुर रहमान, नील वैगनर, एडम जैम्पा, ओके, क्रिस वुड, और यहाँ पे आपको मिल जाएंगे स्मॉल लीग की टीम में क्विन, यहाँ पे कुक है और क्विन है, क्योंकि दोनों रिस्की है, तो मैं इनको अपने स्मॉल लीग की टीम में नहीं रख रहा हूँ, चाहिए तो आप रख सकते हो उनको। लेकिन अच्छे चॉइस की बात की जाए स्मॉल लीग के लिए, तो यहाँ पे नील वैगनर,
एडम जंपा और क्रिस वोड आपके लिए रहेंगे। ग्रैंड लीग की बात की जाए तो यहाँ पे आप स्टीवनसन को रख सकते हो, कुक आपके पास है, क्वीन आपके पास है, ये टीम आपको ये प्लेयर जो आपको स्मॉल लीग ग्रैंड लीग में हेल्प कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं प्रीव्यू की। देखिए यहाँ पे मेरी फर्स्ट चॉइस है स्मॉल लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन की मुनरो और चोपड़ा है, साथ ही साथ आप डॉसन को भी रख सकते हो। ये तीन प्लेयर आपको है इन सॉरी ये चार प्लेयर, ये चारों में से किसी को भी आप कैप्टन वाइस कैप्टन रख सकते हो स्मॉल लीग में, ये दो और ये दो, इन चारों में से कोई भी कैप्टन वाइस कैप्टन आपको हर हर जो अपोनेंट है आपका स्मॉल लीग में उनको उनकी टीम में आपको ज़रूर मिलेंगे कैप्टन वाइस कैप्टन की भूमिका में। सो इनको आप कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो, ये चार चॉइसेस है आपके पास, चारों में से किसी को भी आप कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो। ग्रैंड लीग के लिए आपको रूसो को कैप्टन बना सकते हो, यहाँ पे आपके पास कैप्टन के लिए चॉइसेस बचते हैं जेम्स विंस है नॉर्थ ईस्ट है और डॉसन को भी अच्छी चॉइस है ऑलराउंडर है, तो ये चार चार पांच चॉइसेस जो बचती है आपको, जाम्पा को भी आप ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो। ये टीम आपको स्मॉल लीग में स्ट्रिक्टली लगाना है और अच्छा विन अमाउंट कर सकते हो यहाँ पे। मेरा एक ही यहाँ पे मोटो है कि आप अच्छी से अच्छी अमाउंट विन करें स्मॉल लीग के थ्रू। तो यह था वीडियो के प्रीव्यू के बारे में, मैं आपको और जानकारी देना चाहता हूँ। देखिए आप ड्रीम इलेवन के अलावा किसी और यहाँ पे खेलना चाहते हो, ड्रीम इलेवन बिल्कुल नंबर वन साइट है, इसमें कोई शक नहीं है और यहाँ पे कंपटीशन भी बहुत सारा है। अगर आपको लेस कंपटीशन में खेलना है तो एक ऐप मैं आपको बता दे रहा हूँ जो कि क्रिकिया, यहाँ पे देखिए ये जो यहाँ पे बिल्कुल नई ऐप अभी मार्केट में आई है अभी अभी कुछ दिनों से पहले। सो यहाँ पे बहुत ही कॉम्पिटिशन लो है और यहाँ पर कम यूज़र है इस ऐप के, इसलिए यहाँ पे कंपटीशन बहुत ही लो है, तो आप ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग यहाँ पे इजीली विन कर सकते हो। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप क्रिकेट में खेल सकते हो, यहाँ पे आपको 50 रुपीज़ बोनस मिलेगा। ओके 50 रुपीज़ बोनस मिलेगा आपको, नीचे मैं लिंक दे दे रहा हूँ, उस लिंक पर जाके साइन अप करना है, साथ ही साथ कोड भी डालना है जो कि रेफरल कोड होगा मेरा, तो उसके बाद ही आपको और पैन कार्ड वेरीफाई करना है, पैन कार्ड और जो भी डिटेल्स है वहाँ पे वेरीफाई करने के बाद ही आपको 50 रुपीज़ बोनस मिलेगा और वहाँ पे आप जाके खेल सकते हो। क्योंकि मैं सजेस्ट क्यों कर रहा हूँ कि यहाँ पे लेस कंपटीशन है एज़ कम्पेयर टू ड्रीम इलेवन में बहुत सारे मिलियंस ऑफ यूज़र है उनके, तो यहाँ पे आपको लो आपको आपके जो अपोनेंट है आपको लो जो लेवल है उनका लो लेवल के मिलेंगे और यहाँ पे कॉम्पिटिशन बहुत कम है, इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ। आप बाकी के भी ऐप पे खेल सकते हो जैसे माई टीम इलेवन है, ओके वो भी अच्छी ऐप है, वहाँ पे आप 4 रुपये से ग्रैंड लीग खेल सकते हो। सिक्स टीम अगर लगा देते हो आप 4-4 रुपीज़ की, तो यहाँ पे 24 रुपीज़ में आपकी सिक्स टीम ग्रैंड लीग में लग जाती है। आपको आप हार जाते हैं तो ज़्यादा आपका अमाउंट नहीं जाएंगे, आप जीत जाते तो ग्रैंड लीग में आपको अच्छे अमाउंट विन कर सकते हो 10,000 तक। ओके तो ये थे मेरे कुछ सजेशंस थे। और टॉस के बाद आपको अगर टीम एडिट करना चाहते हो, टॉस के बाद आपको खेलना है, आपको प्लेयर्स पूरे मालूम हो जाते हैं उसके बाद खेलना है, तो आप हाल आप ले भी जाके खेल सकते हो, वहाँ पे आपको 100 रुपीज़ बोनस मिलेगा, तो उसके साथ आप खेल सकते हो। वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहा हूँ, तो वहाँ पे जाके साइन अप करके जो आपको रेफरल कोड मिलेगा वो डाल के आप खेल सकते हो। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और बाकी के जो आज के बाद मैचेस है, आज का जो मैच है उसका भी वीडियो दे रखा है, लेकिन ये लेट होने के वजह से वो वीडियो आपको आपने देखा हो या नहीं देखा हो तो चले कुछ कोई बात नहीं, लेकिन ये वीडियो ज़रूर देखें और अपनी टीम वाइजली बनाएं। और स्ट्रिक्टली मैं बता दे रहा हूँ फिर से, स्मॉल लीग में टीम बिल्कुल अप्लाई कीजिए ये वाली। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।